सब पे नजर अंदर की खबर। वफाकी वजीर इत्तलात नशरियात सेंटर शिबली फराज ने कहा है, हुकूमत को किसी चैलेंज का सामना नहीं, ऑपोजिशन ना एक पेज पर है ना हो सकती है, इनका एक नकाती एजेंडा लूटी हुई दौलत बचाना है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से खलील अहमद राव से। वफाकी वजीर इत्तलात नशरियात का कहना था कि हुकूमत को किसी चैलेंज का सामना नहीं, अपोजिशन ना एक पेज पर है ना हो सकती है, उनका एक निकाती झंडा लूटी हुई दौलत बचाना है। पीपल्स पार्टी को नून लीग और नून लीग को पीपल्स पार्टी पर इत्माद नहीं, उनमें सलाहियत नहीं कि कौम को हुकूमत के खिलाफ उकसा सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने छोटी पार्टियों का इजलास बुलाया है। दूसरी तरफ ओपोजिशन, जहां तक आपने कहा कि वो एक पेज पे हो रही है, वो एक पेज पे हो ही नहीं सकती और न एक पेज पे है। मौलाना फजलुर रहमान है तो उन्होंने छोटी पार्टियों का इजलास बुलाया हुआ है, उनकी जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है वो भी कामयाब नहीं थी। पीपल्स पार्टी को नून पे एतबार नहीं है, नून को पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं है। इस मौका पर वफाकी वजीर बराए खुराक सईद फ़ख्र इमाम ने कहा कि गंदम की साल में 20 से 25 दिन की किल्लत थी, लेकिन चंद अफराद ने इसका फ़ायदा उठाया, जिस पर हुकूमत ने इम्पोर्ट का फैसला किया। गंदम से भरा पहला जहाज़ कराची पहुंच चुका है, जिसमें 63,000 टन गंदम है। दो रोज़ बाद एक और जहाज़ आ रहा है, जिससे आज कराची में गंदम की कीमतों का फ़र्क नज़र आ गया है। हुकूमत ने यह फैसला किया कि इसकी फौरी तौर पर दरामद इम्पोर्ट की जाए, और आज हम इसलिए आपके पास हाजिर हो रहे हैं कि हमारी जो पहली शिप है आज कराची, अभी हमें पता चला कि आध घंटा पहले वो बर्थ हो चुकी है, और जैसे मेरे कॉलीग शिबली फराज साहब ने फरमाया कि उसका इम्पैक्ट आज ही कराची की मार्केट में आर्टिकल आ गया फौरी तौर पर। हालांकि वो 63,000 टन की है, परसों 28 तारीख को भी दूसरी शिप आ रही है, तो तकरीबन 1,30,000 टन की तो एकदम दरामद हो जाएगी। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मुल्क में चीनी और गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ खलील अहमद राव, A1 TV, इस्लामाबाद। खलील अहमद राव, हमें तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट A1 TV.PK, और आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। A1 TV, सब पे नजर अंदर की खबर।